चाहूंगा, आपने जो स्वागत किया, आपने जो आशीर्वाद बख्शा। कल हमारे बीच में हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी धर्मशाला में थे और कल शाम को उनको हवाई अड्डे पे छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कल सचमुच ऐसा लग रहा था किसी देव पुरुष के दर्शन हो रहे हैं, जिस व्यक्ति ने इस देश में, इस दुनिया में इस देश का नाम कहां से कहां पहुंचा दिया। और आज इस व्यक्ति के माध्यम से हिंदुस्तान अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ है। बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है, भारत बदल रहा है, हिमाचल बदल रहा है, नूरपुर बदल रहा है, औंध भी बदल रही है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने 15वें वित्त आयोग के माध्यम से, 11वें वित्त आयोग के माध्यम से, 12वें वित्त आयोग के माध्यम से सीधा पंचायतों को करोड़ों रुपए देना शुरू किए। इससे पहले कभी भी कोई भी ऐसा वित्त नहीं था जिससे पंचायतों को सीधा पैसा मिलता। ये पहली बार जब से मोदी बना उसके बाद ये 11वां वित्त आयोग, 12वां वित्त आयोग, 13वां वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, अरबों करोड़ों रुपए जो है सीधे पंचायत को मोदी भेज रहा है ताकि विकास जो है धरातल में हो सके। सीधा आपके खाते में पैसे मोदी डाल रहा है ताकि बीच में कोई हेरा फेरी करने वाला ना हो। 2000 रुपए, 2000 रुपए, 2000 रुपए, 6000 रुपए, इतना काम आपके सामने देख रहे हैं पिछले 4.5 साल में हुआ है। जहां आपने बोला रास्ता बनाने के लिए वहां रास्ते का काम शुरू करा है। जहां आपने बोला पानी के लिए हमने 63 करोड़ रुपया अभी तक सिर्फ पाइपों पे खर्च किया 4 साल में, तब जाके इतनी पाइप पहुंची है। आने वाले दिनों में पानी की बिल्कुल समस्या नहीं रहेगी। बड़ी स्कीम जो हमारी चक्की वाली है वो भी 12-13 दिन में ऑपरेशन होने वाली है, उसके बाद जमाई पानी सैपा खत्म होना। औंध में चेक डैम कितने लगे इसकी तो डिटेल जोगिंदर जी ने बताया नहीं। कम से कम 1-1.5 करोड़ के चेक डैम में यहाँ लगा चुका हूँ, उसके बड़े अभी कुछ दिनों पहले हमने पाइपें भी भेजी है पानी जमीन को। हम पीने के पानी का समस्या भी हल करेंगे, साथ साथ में हर जमीन को पानी लगाने का भी वादा आपसे करते हैं कि हर खेत को भी पानी लगा के देंगे। ये मोदी जी का वादा और हम इस वायदे को काम कर रहे हैं। फिनिशिंग नहर का मेरा 900 करोड़ का काम लगभग तैयार हो गया, 99% काम तैयार है। वहां 26 पंचायतों को पानी लगने वाला, कम से कम 60 करोड़ के चेक डैम हम लेकर आए। अरे 2 साल हमारे सारे काम कोरोना की वजह से रुके, सारे के सारे काम मार पड़े, और उसके बावजूद भी हम आगे काम बढ़ा रहे हैं। अगले महीने से 125 यूनिट बिजली के ऊपर एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये समझ के मान के चलिए अगले महीने से आपका बिजली का बिल माफ कर दिया जयराम ठाकुर की सरकार ने। अब एक पैसे का बिजली का बिल आपको नहीं आएगा, मुफ्त में बिजली देंगे आप, और पानी का बिल भी आपका माफ कर दिया। ये कुछ छोटे काम नहीं है। पानी की स्कीम आपकी लगभग 4.5 करोड़ की तैयार होगी और अब अंतिम स्टेज पे है, पाइपें जुड़ गई है, काफी हद तक स्कीम ठीक होगी। अब थोड़े 2-4, 5-10 दिन की बात है, पानी बिल्कुल आपको रोज मिलेगा। कहाँ पानी 6 में 7 दिन आता था, कहाँ पानी रोज आपको मिलेगा। थोड़ा समय लगता है, कोरोना की वजह से हमारी हर स्कीम में मार पड़ी। 2 साल हमारे सारे काम, कम से कम 3 क्लासरूम जो है और पंचायत के अंदर देंगे ताकि स्कूल में बच्चों को ये जो समस्या आ रही है क्लासरूम की, इसका भी हम समाधान करा सके, क्योंकि स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है और कमरों की कमी आ रही है। ये बात की हमें बार बार ये बात आपके माध्यम से आ रही है। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द 2-3 कमरे जो हैं ऑन स्कूल के लिए हम इसका प्रावधान कर सकें। आप सब ने, खास करके युवा मोर्चा के नौजवान साथियों ने, माताओं ने, बहनों ने और आप बुजुर्गों ने जो स्वागत किया, आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत। आज नूरपुर में स्टेडियम बन गया, 7.5 करोड़ का स्टेडियम बन गया, हमने शिलान्यास उद्घाटन कर दिया। 7 करोड़ का एक सिंथेटिक ट्रैक है उसका उद्घाटन भी कर दिया, उसका काम शुरू हो गया। 22 करोड़ का कॉलेज बना रहा हूँ, सबसे बड़ा कॉलेज नूरपुर में बन रहा है, लकड़ी का सबसे बड़ा डिपो यहाँ पे चल रहा है। हमारे यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल बन गया, माँ शिशु अस्पताल अगले महीने तैयार करके आपको दे रहे हैं। माँ और बच्चे के लिए 20 करोड़ का अस्पताल नूरपुर में तैयार है, 99.9% काम हो गया। 1-1.5 महीने में आपके हवाले में कर दूंगा। वहां पे 15 लेडी डॉक्टर अलग से होंगे, नर्सें अलग से होंगी। अब मेरी माँ को और बच्चे को कहीं पठानकोट नहीं जाना पड़ेगा, केवल और केवल जो है यहाँ पे उनका इलाज हो जाएगा। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल नगरोटा बंगवा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। एडमिशंस ओपन नर्सरी एलकेजी यूकेजी टू 12th, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। कॉन्टैक्ट अस एट 7018505775 8091711062। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।